तो लीजिए दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। आज हम कंपेयर करने वाले कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक यानी कि बजाज पल्सर 150 और उसके साथ कंपेयर होने वाली एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक यानी कि टीवीएस अपाचे 164V। तो चलिए कंपेयर करके जानते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी रहने वाली है और आपके लिए कौन सी सही रहने वाली है, कम बजट में कौन सी ज्यादा फीचर आपको प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक से जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। 2 सेकंड का टाइम है, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हर एक कंपैरिजन वीडियो का पॉइंट जो रहता है वो यहाँ पे यही है यानी कि लुक्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बजाज पल्सर कॉम्यूटर सेगमेंट को बिलोंग करती है जबकि वहां पे टीवीएस अपाचे आपको एक स्पोर्ट सेगमेंट से मिलती है। यानी कि अगर आप ऐसी बाइक का लुक चाहते हैं जो कि आपको एक कॉमन सा लुक मिले और साथ ही साथ रोड प्रेजेंस भी प्रोवाइड कर दे तो वहां पे आपके लिए बजाज पल्सर का लुक बेटर रहने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो कि आपको बाइक के ऊपर बैठते एक थ्रिल महसूस कराए, आपको लगे कि आप कोई स्पोर्ट बाइक चला रहे हैं, तो वहां पे जो स्पोर्ट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं टीवीएस अपाचे वो आपके लिए बेटर रहने वाले है। दोनों ही बाइक के लुक्स बेस्ट है, अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से दोनों ही बेस्ट लुकिंग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी बाइक का लुक ज्यादा पसंद आता है। तो अब जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो है लाइटिंग सेटअप्स के बारे में कि आपको कौन सी बाइक कितनी एलईडी लाइट प्रोवाइड करती है, किसमें एलईडी लाइट नहीं मिलती। तो अगर हम बात कर ले फ्रंट हेडलैम्प पल्सर के बारे में तो वहां पे आपको डे एंड नाइट रनिंग येलो कलर का हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही में पल्सर में आपको चारों के चारों इंडिकेटर भी बल्ब वाले ही मिल जाते हैं। और अगर हम पल्सर के टेल लैम्प की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक ही लाइट है वहां पे पल्सर में जिसमें आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अपाचे का बिल्कुल ही उल्टा है, अपाचे में आपको सारी ही सारी एलईडी लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि जो फ्रंट हेडलैम्प है वो आपको डे एंड नाइट रनिंग व्हाइट कलर का हेडलैम्प मिलने वाला है एलईडी विथ एएचओ सिस्टम। साथ ही साथ चारों इंडिकेटर पे आपको बल्ब मिल जाने वाले, बल्ब वाले जो इंडिकेटर है वो लोअर मॉडल में, और अगर आप टॉप एंड मॉडल की तरफ जाओगे तो वहां पे इंडिकेटर भी आपको एलईडी ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें टेल लैम्प के बारे में तो वहां पे भी आपको एलईडी लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये था इनका लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो बात हो गई। लेकिन जो बाइक का सबसे मेन पॉइंट रहता है वो होता है बाइक का इंजन। तो चलिए इनके स्पेसिफिकेशन भी हम जान लेते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है इंजन स्पेसिफिकेशन। तो चलिए अगर हम बात करें बजाज पल्सर 150 के बारे में तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड इंजन विथ DTIS टेक्नोलॉजी, जो कि आप सभी ने देखा ही होगा कि बजाज के इंजन पे DTIS लिखा हुआ ही होता है। ये एक BS6 कंप्लायंट इंजन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि वहां पे आपको 150cc का इंजन दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे में आपको मिल जाने वाला है SI टेक्नोलॉजी बेस्ड 4-stroke ऑयल्ड कूल इंजन BS6। यानी कि दोनों ही बाइक में आपको BS6 इंजन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन बजाज पल्सर में आपको 150cc का इंजन मिलता है जबकि आपको टीवीएस अपाचे में 164 valve इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब हम बात कर ले टॉर्क और पावर फिगर्स के बारे में तो वहां पे आपको बजाज पल्सर का 150cc वाला इंजन निकाल के देने वाला है 14 PS की पावर और 13.4 Nm का टॉर्क। अब हम चले दूसरी तरफ रखते हैं टीवीएस अपाचे के पॉइंट्स। तो वहां पे टीवीएस अपाचे का आपको 160cc वाला इंजन प्रोवाइड करके देने वाला है 16.0 PS पावर, साथ ही साथ वो आपको 14.17 Nm का टॉर्क। यानी कि इसके पावर और टॉर्क फिगर दोनों ही पल्सर से ज्यादा रहने वाले। यानी कि अगर आप ऐसी इंजन वाली बाइक चाहते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी फीलिंग दे और आपको उसे भगाने में और राइड करने में भी मजा आए तो वहां पे 101% आपके लिए टीवीएस अपाचे 164 भी बेटर रहने वाली है। तो और अगर हम बात कर ले दोनों के ही गियरबॉक्स के बारे में तो वहां पे दोनों में ही आपको मैनुअल 5-speed गियरबॉक्स दिया जाता है। और अगर हम माइलेज की बात करें तो वहां पे वो सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है इंडियंस के लिए, क्योंकि हम इंडियन की सबसे पहली प्रेफरेंस चाहे वो ऑडी भी लेने चला जाएगा ना तो भी वही पूछेगा कि कितना देती है। तो यहाँ पे कितना देती है हमें बजाज पल्सर और टीवीएस अपाचे एकदम नेक टू नेक चलते हैं क्योंकि दोनों में ही आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया जाता है। हालांकि बजाज पल्सर 10cc कम इंजन प्रोवाइड करते हैं, इससे इसकी माइलेज में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाती है। बजाज पल्सर आपको 50-52 की माइलेज प्रोवाइड करके देने वाली, जबकि अगर हम बात करें टीवीएस अपाचे की तो उसमें तकरीबन आपको 45-47 की माइलेज मिल जाने वाली। यानी कि दोनों में ही अगर हम एग्जिट माइलेज की बात करें तो दोनों ही तकरीबन आपको 48 kmpl की माइलेज प्रोवाइड करके देने वाली है।
और अगर हम बात कर ले कि दोनों में आपको स्टार्टिंग सिस्टम यानी कि बाइक स्टार्ट करने के लिए क्या फैसिलिटी दी जाती है, तो वहां पे आपको मिल जाने वाले बजाज पल्सर में किक प्लस सेल्फ स्टार्ट, जबकि आपको टीवीएस अपाचे में सिर्फ सेल्फ स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। इससे क्या होगा कि कभी अगर बाई चांस भी आपकी बाइक की बैटरी खराब हुई तो धक्के लगाने के लिए आपको तैयार रहना है। मैं बोलता हूं हर एक बाइक में आपको किक सिस्टम दे देनी चाहिए, और जब भी आपके पास कोई भी बाइक हो आप उसे मॉर्निंग में स्टार्ट करें तो वहां पे किक जरूर यूज करें, क्योंकि पता नहीं कब उसकी बैटरी खराब हो जाए तो वहां पे किक आपके काम आ सकती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फीचर्स एंड सेफ्टी की तरफ। तो अगर हम बात करें फीचर एंड सेफ्टी की तरफ तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ब्रेकिंग एबीएस के बारे में। तो वहां पे बजाज पल्सर में आपको कोई एबीएस सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, लेकिन टीवीएस अपाचे 164V में आपको फ्रंट एबीएस यानी कि सिंगल चैनल एबीएस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और अगर हम बात कर ले स्पीडोमीटर के बारे में भी तो भी वहां पे बजाज पल्सर के मुकाबले टीवीएस बाजी मार जाते हैं, क्योंकि टीवीएस में आपको डिजिटल कंसोल दिया जाता है पूरा का पूरा, जबकि बजाज पल्सर में आपको आरपीएम मीटर एनालॉग दिया जाता है और साथ ही साथ जो स्पीडोमीटर है और जो क्लॉक वाली सिस्टम है वो सभी डिजिटल में प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि पल्सर में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल और जबकि आपको टीवीएस अपाचे में पूरा का पूरा डिजिटल कंसोल प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब हम बात कर ले एक या दो एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो वहां टीवीएस अपाचे के एक एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो वहां पे आपको ग्लिच थ्रू टेक्नोलॉजी मिल जाने वाली है। अब ये क्या है इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, तो अब हम चलते इस वीडियो में आगे की तरफ। तो वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे आ जाने वाले ब्रेकिंग। जी हाँ, ब्रेकिंग सभी बाइक में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले है। तो अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक मिल जाने वाली है, लेकिन टीवीएस अपाचे में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलने की वजह से वो ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग पावर आपको प्रोवाइड कर देने वाले। दोनों में ही फ्रंट में यानी कि बजाज पल्सर की बात करें तो वहां पे फ्रंट में आपको 240mm का और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टीवीएस अपाचे के बारे में तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है विद सिंगल चैनल एबीएस 270mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको 130mm का वही ड्रम ब्रेक प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब हम चलते हैं दोनों के ही सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो वहां पे आपके लिए कौन से बेटर रहने वाली है, पहले बता देता हूं पल्सर। जी हां, आपने सही सुना, पल्सर, क्योंकि वहां पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी एग्जॉस्ट बूस्ट सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, और रियर में भी आपको वहां पे 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें टीवीएस अपाचे के बारे में तो वहां पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रॉक और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब अगर हम बात कर ले कि पल्सर किस तरीके से आपके लिए सस्पेंशन सेटअप में बेटर है, तो अगर आप खराब रास्तों पे जाओगे तो वहां पे वो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है, इसीलिए उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि हर तरह के रास्ते पे वो चल पाए। लेकिन अपाचे भी एक कंप्यूटर सेगमेंट से थोड़ी ज्यादा मिलती है, लेकिन वो एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, इसीलिए वहां पे उसे ज्यादातर स्मूथ रोड पे चलने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, इसीलिए उनके सस्पेंशन उतने ज्यादा कारगर नहीं रहने वाले जितने कि आपको पल्सर के मिलने वाले। तो अब हम चले जाते हैं दोनों के ही टायर साइज की तरफ, जो कि बाइक की स्टेबिलिटी और हर एक आपकी रोड प्रेजेंस में भी बहुत ही अच्छा काम कर देते हैं। तो अगर हम बात करें पल्सर के टायर साइज के बारे में तो वहां पे आपको फ्रंट में 18:100 एस्पेक्ट रेशियो वाले 17 इंच के और रियर में आपको 100:19 एस्पेक्ट रेशियो वाला 17 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें टीवीएस अपाचे के बारे में तो वहां पे आपको फ्रंट में 19:19 एस्पेक्ट रेशियो वाला 100 इंच का और रियर में आपको 110:19 एस्पेक्ट रेशियो वाला 17 इंच का व्हील प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो टीवीएस अपाचे उनका रियर व्हील वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा रहने वाला है इन कम्पेयर टू पल्सर, जो कि आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस और साथ ही में एक स्टेबिलिटी और रोड पे अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड कर देगी। और अगर आप कभी भी इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो वहां पे भी चौड़ा टायर होने की वजह से आपकी बाइक स्टेबल रहने वाली और ब्रेकिंग भी आपको अच्छी मिल जाने वाली। तो ये तो हो गई सारे फीचर्स और बाकी सारी बातें। अब हम बात कर ले मेन पॉइंट यानी कि प्राइसिंग के बारे में। तो एक शोरूम दिल्ली के मुताबिक अगर हम बात करें तो वहां पे पल्सर आपको ऑन रोड मिल जाने वाली है 98,382 रुपीज में। लेकिन अगर हम चले जाए टीवीएस अपाचे की तरफ तो वो वहां पे आपको मिल जाने वाली है 1,17,000 में। यानी कि टीवीएस अपाचे पल्सर के मुकाबले ज्यादा महंगी है, हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पे आपको सारे ही डिजिटल फीचर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फ्रंट में एलईडी लाइट, सारी लाइटें एलईडी प्रोवाइड कर दी जाती है, साथ ही में डिजिटल कंसोल मिल जाता है, साथ ही साथ एक स्पोर्ट बाइक मिल जाती है और एक फ्रंट विफर्स सेंचुरी वाला फ्रेश लुकिंग भी आपको वहां पे अपाचे प्रोवाइड कर देती है। लेकिन बजाज पल्सर में भी कुछ प्लस पॉइंट है,
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहां पे ये बन जाता है कि बजाज का ट्रस्ट और पल्सर की जो जाने माने इंजन है वो बहुत ही लंबे टाइप के आपको बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम पर आपको एक रिफाइनमेंट वाली परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देने वाले। तो आपको देख लेना है कि आपको एक कॉम्प्यूटर सेगमेंट वाली बाइक चाहिए या तो फिर स्पोर्ट्स सेगमेंट। हालांकि जो स्पोर्ट्स सेगमेंट वाली बाइक है उसे ज्यादा सिटी में चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, उसे ज्यादातर खुले रोडों के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन कॉम्प्यूटर सेगमेंट एक ऐसी बाइक है जो कि आपको हर तरीके से पल्सर आपको एक अच्छी खासी पावर भी प्रोवाइड कर देगी और साथ ही साथ सिटी राइडिंग में भी आपके लिए इजी रहने वाली। और टीवीएस अपाचे अगर आप कहीं पे भी लॉन्ग राइड में लेके जाओगे तो आपका दिल 101% खुश हो जाने वाला है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें।